नमस्कार, जैसे इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम डी ब्लॉक एवं ए ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत कुछ संक्रमण धातु आयनों के रंगों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं संक्रमण धातु आयन रंगीन आयनों के रूप में दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है, संक्षिप्त में जाने, फिर हम सारणी के माध्यम से कुछ संक्रमण धातु आयनों के रंगों को जानेंगे। तो संक्रमण धातु आयन जिनके कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, अर्थात डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं या जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वे रंगहीन होते हैं, क्योंकि उनके डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का डी डी संकरण नहीं होता है और डी डी संकरण नहीं होने की वजह से वे रंगहीन होते हैं। किंतु कुछ संक्रमण धातु आयन जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से उनके आयन रंगीन दिखाई देते हैं। इसके पूर्व हम जान चुके हैं संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, कारण सहित जान चुके हैं। आइए हम सारणी के माध्यम से केवल संक्रमण धातु आयनों के कुछ आयनों के रंगों के बारे में चर्चा करें। तो जैसे Cu+ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती अर्थात शून्य होते हैं, अतः ये रंगहीन होता है, हमने अभी अभी जाना। ऐसे संक्रमण तत्व जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे रंगहीन होते हैं अर्थात कलरलेस होते हैं। तो Cu प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती अतः ये रंगीन होता है। इसी प्रकार से Cu2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक अतः यह नीला कलर का दिखाई देता अर्थात ब्लू कलर का दिखाई देता अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की वजह से। इसी प्रकार से Ti3 प्लस जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक अतः ये जामुनी कलर का दिखाई देता है। अभी अभी हमने संक्षिप्त में जाना, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंगीन दिखाई देंगे, किंतु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है या युग्मित अवस्था में हो तो वह रंगहीन या कलरलेस दिखाई देता है। इसी प्रकार से Ti4 प्लस जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है अतः रंगहीन अथवा कलरलेस दिखाई देता है। इसी प्रकार से Ni2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो अतः यह ग्रीन या हरा कलर का दिखाई देता है। इसी प्रकार से Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 जो पीले रंग का दिखाई देता है। इसी प्रकार से Mn2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 जो गुलाबी कलर का दिखाई देता है। इसी प्रकार से Co2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 जो नीला या ब्लू कलर का दिखाई देता है। इसी प्रकार से हमने कुछ संक्रमण धातु आयनों के रंगों के बारे में जाना। ऐसे संक्रमण धातु आयन जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रंगीन होते हैं, किंतु जिनके डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे रंगहीन अथवा कलरलेस दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हमने इस सारणी के माध्यम से कुछ संक्रमण धातु आयनों के रंगों को जाना। थैंक यू।